بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آشی اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آشی ٹی آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں جھٹ پٹ بننے والی ریسپی جو کہ ہیں آلو کے کٹلٹس تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آلو کے کٹلٹس بنانے کے لئے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے ان میں شامل ہیں 1 کلو آلو جسے میں نے دھو کے رکھ دیئے 1 किलो मुर्गी का गोश्त जो कि हड्डी वाला और बोनलेस है दोनों मिक्स हैं साथ में मैंने कोटिंग के लिए 1 कप मैदा लिया है इसके साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं जो कि मैंने 1 कप लिए हैं ये भी कोटिंग में इस्तेमाल होगा और तकरीबन 1 अंडा मैंने लिया है ये भी कोटिंग के लिए ही इस्तेमाल होगा साथ में मैंने लिए हरे धनिया हरे पुदीने की 1-1 किड्डी ली है जिसे मैंने काट के रख दिए 8 से 10 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक काट के रख लिया है इसके साथ ही मैंने 3 से 4 अदद जो हैं प्याज लिए हैं और इन्हें बारीक चॉप कर लिए हैं दोस्तों कटलेट्स बनाने की तैयारी करते हैं सबसे पहले मैं आलू बॉईल करूंगी मैंने एक कढ़ाई में 1 किलो आलू डाल दिए हैं और उसमें उतना पानी भरूंगी ताकि आलू तमाम डूब जाएं तो मैं इसमें पानी डाल चुकी हूं और इसे चूल्हे पर रख चुकी हूं अब इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रख दूंगी और साथ में तैयारी करते हैं हम लोग चिकन बॉईल करने की तो दोस्तों मैं कढ़ाई में चिकन शिफ्ट कर चुकी हूं अब इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं पानी ऐड करूंगी दोस्तों लेकिन यहां पर एक बात नोट करते जाएं मैं पानी जो है वो फिल्टर का ले रही हूं 1.5 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने साथ में मैंने 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही तकरीबन 10 से 12 साबुत काली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं इसके साथ ही मैं 1 चम्मच नमक भी ऐड करूंगी और इसे अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूंगी तो अब मैं इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी तो 20 मिनट गुजर चुके हैं अब मैं छलनी की मदद से ये जो चिकन की बोटियां इन्हें अलग कर दूंगी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स याद रखें कि ये यखनी हरगिज हम जाया नहीं करेंगे ये बहुत ही प्योर चिकन का सूप बना है तो इसे जरूर बच्चों को पिलाएं ये बहुत ही ताकतवर है आपके लिए फायदेमंद है बहुत ज्यादा तो मैं इसे अलग कर चुकी हूं अब इसके क्या करूंगा मैं अपने हाथों की मदद से इसके रेशे बनाऊंगी मैं हड्डी को अलग कर दूंगी और गोश्त को मैं अलग कर रही हूं तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं गोश्त वाली बोटियां अलग कर रही हूं और इसमें से जितनी भी हड्डी बची है इसको हड्डी को साइड पे कर देंगे क्योंकि हड्डी से हमारा कोई भी काम नहीं है हम लोग ये गोश्त अलग करके इसके रेशे बनाएंगे दोस्तों एक-एक करके मैं तमाम बोटियों को साफ कर दूंगी तो मैंने तमाम बोटियां साफ कर दी हैं अब मैं इसको रेशा करना आपको सिखा रही हूं मैं ये जो बोटियां की हैं इन्हें उठा के एक-एक को रेशा कर रही हूं हाथों की मदद से इसे अलग करती जा रही हूं इसकी मोटी-मोटी बोटियां आपने नहीं डालनी है आपने इसके एक रेशे से बनाने हैं तारे सी बनानी है जैसे कि आप देख सकते हैं तो मैं इसको रेशा कर चुकी हूं अल्हम्दुलिल्लाह रेशा बिल्कुल तैयार है अब चलते हैं आलू की तरफ तो दोस्तों 20 मिनट गुजर चुके हैं मैंने इसे मीडियम आंच पे पकाया तो यहां भी टिप नोट करते जाएं आपने हाई फ्लेम पे इसे हरगिज नहीं पकाना नहीं तो जितना भी पानी है ये फौरन ही सूख जाएगा और अगर लो पे पकाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको इसे बॉईल करने के लिए तो मैं इसे छलनी की मदद से एक प्लेट में शिफ्ट कर चुकी हूं अब इसे मैं आपको छीलना सिखा रही हूं लेकिन दोस्तों यहां पर भी एक बात नोट रखें आपने ठंडा करके इसे छीलने हरगिज गरमागरम अपने हाथ नहीं जलाने आपने ठंडे करके सुकून से आप इसको छीलते जाएं जैसे मैं छील रही हूं अपने हाथ की मदद से इसको छीलते जा रहे हैं एक-एक करके मैं तमाम आलूओं को छील लूंगी दोस्तों आलू भी डन हो चुके हैं अब तैयारी करते हैं बाकी चीजों की एक खुले बर्तन में मैंने आलू शिफ्ट कर दिए हैं अब इसे हम पीसेंगे मैं मेशर यूज कर रही हूं आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है आप भी मेशर ही लेंगे लेकिन दोस्तों यहां पर टिप नोट करते जाएं आपने इसे बिल्कुल क्रीम की तरह नहीं पीसना है थोड़े-थोड़े आलू जो हैं वो साबुत रहेंगे और इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि आलूओं को आपने ज्यादा मोटा नहीं छोड़ना है नहीं तो आलू की टिक्की पकाते हुए आपके टूट भी सकते हैं अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगी जो कि मैंने चॉप करके बारीक चॉप किए हुए इसमें ऐड कर दिए साथ में मैं 1 चम्मच नमक इसके साथ ही मैं 1 चम्मच के करीब पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच सूखा धनिया साथ में मैंने आधा चम्मच गरम मसाले का लिया इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच चाट मसाले का इस्तेमाल किया है इन तमाम मसालों को स्प्रिंकल करती जाऊंगी 1 चम्मच के करीब मैंने पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है इसमें साथ में 1 चम्मच जीरा इस्तेमाल किया
अब इसके बाद इसमें मैं रेशे किए हुए जो चिकन था वो इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो दोस्तों आपने ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद ही मिक्स करना है। अब इसके बाद धनिया पुदीना हरी मिर्चें रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। तो धनिया पुदीना भी इस पर मैं डालती जाऊंगी। एक एक करके धनिया पुदीना पहले मैंने डाले हैं, अब इसके ऊपर हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आपने इसे बिल्कुल गूंदना नहीं है, मिक्स करना है ताकि जितनी भी चीजें हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि हर टिक्की में बेहतरीन जायका रहे। तो इसे मैं हाथों की मदद से मिक्स करती जा रही हूँ। दोस्तों ये बहुत ही झटपट और आसानी से बनने वाली रेसिपी है, इसे घर में जरूर ट्राई करें। और आलू जो है हर किसी का दिल अजीज होता है, खासकर बच्चों का। आप बच्चों को इसे लंच में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर टिप देती चलूं कि आप लोग इसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रिजर्व किस में करना है वो मैं आपको बताती चलूं। आपको एक एयर टाइट डब्बे में इसको प्रिजर्व करके रख लें। अगर आप खुले बर्तन में इसे रखेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, तो ये आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैं एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ और इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। जब तक ये आलू सेट होते हैं हम लोग कोटिंग की तैयारी करते हैं। अंडा जो मैंने लिया उसे अच्छे से फेंट दूं, लेकिन दोस्तों याद रखें इस अंडे में मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, जस्ट खाली अंडा उसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और जो ब्रेड क्रम्स लिए हैं उसमें तकरीबन 2 से 3 चुटकी मैंने काली मिर्चों के ऐड किए हैं, पिसी हुई काली मिर्चें ये, और साथ में तकरीबन 2 से 3 चुटकी जो है नमक इस्तेमाल किया है, और इसी के साथ 2 से 3 चुटकी मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर ली हैं। इन तमाम मसालों को ब्रेड क्रम्स में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब तैयारी करते हैं टिक्की बनाने की। तो हाथों को मैंने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिए हैं। थोड़े से आलू लेके मैं इसे गोल गोल कर रही हूँ। अब इसके बाद अच्छे से गोल करूंगी ताकि फ्लैट जब इसे करूँ तो इसमें क्रैक्स ना रहें। तो दोस्तों आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके जरा भी दरारे ना हो, क्रैक्स ना हो। अगर क्रैक्स होंगे तो यहीं पे क्रैक्स करेंगे, तो जब इसे पकाएंगे तो ये यकीनन टूट जाएंगे। तो टिप्स को नोट किया करें, ट्रिक्स एंड टिप्स पे अमल किया करें तो आपके भी बेहतरीन कटलेट्स बन सकते हैं। इसे मैं अच्छे से गोल कर चुकी हूँ। तो एक एक करके मैं आलू की टिक्कियां बना के इसे प्लेट में शिफ्ट करती जाऊंगी। दोस्तों आप यहाँ पर एक टिप नोट करते जाएं, बेहतर यही रहेगा कि आप तमाम टिक्कियां बना के एक प्लेट में शिफ्ट कर दें, उसके बाद इसे पकाना स्टार्ट करें। क्योंकि आप अगर एक एक करके पकाना स्टार्ट करेंगे, पहले की कोटिंग करके आप ऑयल में डाल देंगे, साथ में जब दूसरा या तीसरी टिक्की तक आप पहुंचेंगे तो आपकी फर्स्ट टिक्की जो है जल चुकी होगी। तो बेहतर यही रहेगा तमाम डाल दें, सुकून से आप उसकी कोटिंग करें और उसके बाद आप इसे ऑयल में एक एक करके डाल दें। अब मैं क्या कर रही हूँ, कोटिंग की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले इसे अंडे में डिप किया, उसके बाद इसे मैंने मैदे में डिप किया। ये तमाम चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में इंग्रेडिएंट्स बता चुकी थी। मैदे में डालने के बाद आपने अगेन अंडे में डिप करना है ताकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लग सकें। ब्रेड क्रम्स जितने ज्यादा होंगे उतने ही क्रंची और मजेदार आपके कटलेट्स बनेंगे। तो इस पे अच्छे से मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिए और फ्राई पैन मेरा तकरीबन गर्म हो चुका होगा, उसमें मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल डाला है। आपने डीप फ्राई नहीं करने, शैलो फ्राई करने। अब इसी तरह करके आप नेक्स्ट टिक्की भी कोटिंग कर लेंगे, आप इसे ऑयल में शिफ्ट करते जाएंगे। इसके बाद आपने इसे अच्छे से 10 से 15 सेकेंड के लिए एक तरफ पकानी है, उसके बाद आपने सेकंड तरफ उसे टर्न करके दूसरी साइड भी इसकी पका लेनी है। तो ये तमाम टिक्की एक एक करके आपने पकानी है, उसके बाद इसे मैं डायरेक्ट प्लेट में नहीं उठाऊंगी। दोस्तों यहाँ भी एक टिप नोट करते जाएं कि इससे पहले मैं तवे पे शिफ्ट करूंगी ताकि जो इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो वहीं पे निकल जाए। माशाल्लाह से आप इसका लुक देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं जली है, मुनासिब पकी है क्योंकि मैंने इसे मीडियम आंच पे पकाया। अगर आप इसे तेज आंच पे पकाएंगे तो दोस्तों ये फौरन ही ब्रेड क्रम्स जो है वो जल जाएंगे। एक एक करके बाकी टिक्कियां भी मैंने कोटिंग करके से अच्छे से पका ली हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बेहतरीन कटलेट्स आपके बिल्कुल तैयार हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।